So hello and welcome back guys, today's new video and in the platform of Double S Cuber. आज की इस वीडियो में हम बेसिक फिंगर ट्रिक्स के बारे में जानेंगे टू सॉल्व दिस रूबिक्स क्यूब. एक्चुअली इन फिंगर स्टिक की मदद से आप 2x2, 3x3, 4x4 ऑल स्क्वायर क्यूब्स को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं विद वेरी लेस टाइम. बट द क्वेश्चन इज, इसके बारे में जानना ही क्यों है डबल एस क्यूबर? लुक, मैं आपको एक कंपैरिजन भी ये दिखाता हूँ जिसमें मैं फिंगर ट्रिक्स की मदद से क्यूब को सॉल्व करूँगा और विदाउट फिंगर ट्रिक्स की मदद से क्यूब को सॉल्व करूँगा, फिर देखेंगे हम में किस में ज़्यादा टाइम लगता है. ये एक एल्गोरिदम है पैटर्न का जिसको हम लोग इस क्यूब में अप्लाई करेंगे. वैसे पैटर्न से याद आया, कल की वीडियो में मैंने बहुत सारे पैटर्न के बारे में भी बताया है, जो आपको यहाँ पर लिंक फ्लैश हो रहा होगा उसमें भी आप जाकर उन पैटर्न के बारे में सीख सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो इस पैटर्न को अगर मैं विदाउट फिंगर ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करूँगा तो मुझे टाइम कितना लगता है देखते हैं. तो अगर मैं इस एल्गोरिदम को विदाउट फिंगर ट्रिक्स की मदद से अप्लाई करता हूँ तो मुझे इतना टाइम लगता है देखिए. ये उसी पैटर्न को एल्गोरिदम को हम फिंगर ट्रिक्स की मदद से अप्लाई करते हैं और देखते हैं मेरे को कितना समय लगता है. और हमारा पैटर्न बनके रेडी हो जाए. दिस कंपैरिजन वीडियो क्लियर्स दैट कि हम लोग फिंगर ट्रिक्स की मदद से रूबिक्स क्यूब को लेस टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट फिंगर ट्रिक्स की मदद से रूबिक्स क्यूब को बहुत ज़्यादा टाइम में सॉल्व करते हैं. बेसिक फिंगर ट्रिक्स के इस वीडियो में मैं आपको राइट लेयर, लेफ्ट लेयर, फ्रंट लेयर और बैक लेयर, अपर लेयर एंड डाउन लेयर के बारे में बताऊंगा. मिडिल लेयर, ई लेयर और एस लेयर के लिए एक डिटेल वीडियो आएगी जो बाद में आएगी. इससे पहले हम लोग इन सारे लेयर्स के बारे में जान जाते हैं जिसका वीडियो मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है. किसे लेफ्ट लेयर कहते हैं, किसे राइट लेयर कहते हैं, उसका वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. राइट और लेफ्ट लेयर के लिए आपको क्यूब को इस तरह से होल्ड करना है अपनी फिंगर्स की मदद से, और राइट लेयर के लिए आपको अपना पॉइंट फिंगर थंब का इस्तेमाल करना है. देखिए इस तरह से राइट लेयर अपर साइड अपनी फिंगर्स की मदद से R2 करने के लिए आपको फिंगर्स की मदद से दो बार करना है, आर प्राइम करने के लिए आपको एक ही बार करना है. वैसे ही लेफ्ट लेयर के लिए आपको पॉइंट फिंगर और थंब की मदद से लेफ्ट लेयर L प्राइम करने के लिए ये, L2 करने के लिए ये. याद रहे आपको अपना फिंगर्स का यूज़ करना है जिससे कि आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं. फ्रंट लेयर और बैक लेयर के लिए आपको पॉइंट फिंगर का इस्तेमाल करना है और आपका रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है. जैसे फ्रंट के लिए मैं पॉइंट फिंगर को ऐसे करूँगा और एफ़ प्राइम करने के लिए आप थंब का यूज़ कर सकते हैं. एफ़ प्राइम इस तरीके से हो जाएगा. और F2 करने के लिए आप अपना पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से. एफ़ प्राइम करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस पॉइंट फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये था फ्रंट लेयर का. बैक लेयर के लिए क्यूब को आप इस तरह के होल्ड करना, आप रिंग फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. देखिए मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करके मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगा और ये मिडिल फिंगर बी, ये बी प्राइम. बी टू करने के लिए आप मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से. तो अपर एंड डाउन लेयर के लिए आप मिडिल फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉइंट फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपर यू लेयर के लिए हम लोग मिडिल मतलब पॉइंट फिंगर को यू करेंगे और लेफ्ट पॉइंट फिंगर का यू प्राइम के लिए इस्तेमाल करेंगे. यू टू है तो आप पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं यू टू इस तरीके से. और यू टू प्राइम है तो आप इन दोनों फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे. डाउन लेयर के लिए आप अपना रिंग फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, डी प्राइम ये डी टू. ये थे कुछ बेसिक फिंगर ट्रिक जिसमें मैंने आपको राइट लेयर, लेफ्ट लेयर, फ्रंट, बैक, अपर एंड डाउन लेयर के बारे में बताया है. मिडिल लेयर, ई लेयर और एस लेयर का वीडियो बाद में डिटेल आएगा, बट उससे पहले मैंने इसके बारे में आपको बता दिया. बट इसको बताने से ही काफ़ी नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको एक एल्गोरिदम बताता हूँ जिसका आप प्रैक्टिस करके अपना फिंगर ट्रिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो बढ़ते हैं उस एल्गोरिदम की तरफ. पहला एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से है, यू आर
यू प्राइम आर प्राइम। इससे आपका पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब इम्प्रूव होगा और लेफ्ट हैंड का पॉइंट फिंगर भी इम्प्रूव होगा। लेफ्ट हैंड के लिए एक और फॉर्मूला है, वो कुछ इस तरीके से यू प्राइम एल प्राइम यू एल, जिससे आपका पॉइंट फिंगर थंब भी इम्प्रूव होगा और इधर का पॉइंट फिंगर भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो राइट हैंड के लिए है, जिसमें आपका थंब इम्प्रूव होगा पॉइंट फिंगर इम्प्रूव होगा, वो कुछ इस तरीके से है आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। चलिए अप्लाई करते हैं आर प्राइम एफ आर एंड एफ प्राइम। हमारा नेक्स्ट एल्गोरिदम है वो कुछ इस तरीके से है राइट हैंड के लिए आर डी प्राइम आर प्राइम डी, और लेफ्ट लैंड के लिए भी एक और फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है एल डी एल प्राइम डी प्राइम। इससे आपका लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर इम्प्रूव होगा और इस तरीके से आप इन फिंगर ट्रिक्स की मदद से इन एल्गोरिदम की मदद से अपने फिंगर ट्रिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने क्यूब सॉल्विंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ये थे कुछ बेसिक फिंगर ट्रिक्स जिसमें मैंने आपको इसके एल्गोरिदम के बारे में भी बता दिया, जिससे आप अपने फिंगर ट्रिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। लेफ्ट वाली वीडियो चेक करके आप इसके बेसिक नोटेशन के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।